हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आ चुके हैं पहाड़ पे। कैन यू बिलीव इट, हम पहाड़ पे आए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं नरसिंह भगवान जी के मंदिर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और वहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा सरप्राइज मिला जो कि आप सोच भी नहीं सकते, तो मिडल ऑफ द व्लॉग आपको ज़रूर दिखेगा। और पहाड़ी है और मम्मा ने साफ, मतलब पापा ने पहले ही बोल दिया था और मम्मा ने भी बोल दिया था कि पहाड़ पे जा रहे हैं, लेकिन मम्मा ने बोला कि शूज़ गंदे हो जाएंगे तो शूज़ मत पहनना, कोई सैंडल पहन लेना। अब आपको पता है कि मेरी सैंडल्स और हील्स तो हाई है, कभी मीडियम लो तो हो ही नहीं सकती। तो मेरी वहाँ पे जाते वक्त हील भी टूट गई, क्योंकि पहाड़ पे हील पहन ही नहीं सकते हैं, ऑफ़ कोर्स नहीं पहन सकते। देवी का स्लीपर पहन कर आई थी, प्रॉब्लम हालांकि उसको भी हुई लेकिन ठीक ठाक चला, लेकिन मेरी तो सैंडल ही टूट गई। और देव तो शूज़ पहन कर आया था और मम्मा खुद ही हील्स वाली, जो वेजीज हील्स होती है ना, वो पहन कर आई थी। और हम चढ़ रहे थे और फिर मुझे हंसी आ रही थी बहुत तेज, क्योंकि है ना, जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाती मुझे चक्कर आ जाते और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होने लगी थी, मतलब जी घबराने लगा था क्योंकि गर्मी ऊपर बहुत हो गई थी। और ये तो अभी जाते वक्त का है, अभी जब हम जाते वक्त का नहीं, ऊपर चढ़ के फिर नीचे जा रहे हैं, मतलब पहाड़ी ऊपर घाबरता है ना बना हुआ इसलिए। और फिर हम दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कैसे जाए, क्योंकि आगे बहुत गड्ढा था लिटरली बताऊं तो। फिर जैसे तैसे वो पहले चली गई मेरे को छोड़ के, अब उसको क्या पता उसके पास चप्पल है। मैंने पतली सी डाल पकड़ी पेड़ की, जिसको पकड़ में जा रही थी मैं पकड़ के, वो टूट भी गई थी लेकिन हाँ सहारा ज़रूर मिल गया था। और मम्मा और चाची बातें करे जा रही हैं, बातें करते हुए जा रही हैं क्योंकि विदाउट बातें तो वो जा ही नहीं सकती हैं, और क्या ही बता सकते हैं। और वैसे आप कमेंट्स में बताना कि चाची और मम्मा, इन दोनों का लुक आपको कैसा लगा। दोनों ने साड़ी पहनी थी और मैंने तो अपनी बर्थडे ड्रेस रिपीट की थी, हाई पोनी बना ली थी क्योंकि बाल तो वहाँ खुले कर नहीं सकते, मेकअप इतना कर नहीं सकते क्योंकि जा तो मंदिर ही गए ना। और हाँ, हम जिम में जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हमको खाना मिला था, दाल बाटी और वो क्या कहते हैं, ट्रिपोले, मिर्ची के ट्रिपोले और चूरमा। चूरमा मैंने खाया ही नहीं, सिर्फ देखा, थाली में ऐसा रखा रहा और फिर बाद में मैंने चाची को दिया, लेकिन चाची ऑलरेडी इतना खा चुकी थी कि फिर मम्मा को खाना पड़ा। और सच बताऊँ ना, मीठा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखो, फिर आपको सबसे ज़्यादा हंसी आ रही होगी, मैं बैठ बैठ के जा रही हूँ, सब खड़े होकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चलना बहुत हार्ड है। और फिर मैंने अपनी पैंट सही की, एक्चुअली मैं इसके नीचे जो मैं ना मिडल पैंट लाई थी ना, वो मेरी बहुत फंस रही थी। अब आपको पता है मेरे कपड़े चुभते हैं, तो इसलिए मैंने फिर हाई पैंट पहन ली। ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मम्मा को, लेकिन मैं क्या करूँ, मम्मी और को तो वही अच्छी लग रही थी, इसलिए फिर मैं गई, फिर जाके मैं फिर भिड़ गई और फिर मैंने पेड़ पकड़ लिया और फिर हम और आगे। लेकिन आज मेरी छुट्टी है और आप ये भी सोच रहे होंगे क्योंकि आज 12 वफात है। और मैंने एक न्यू पार्सल ऑर्डर किया था परसों, जो कि आज डिलीवर हो गया, और बहुत अच्छी बात है कि वो आज ही हो गया, क्योंकि अगर मैं स्कूल में रहती हूँ तो फिर मेरे को पता नहीं होता ना, तो बढ़िया कि मैं खुद से अनबॉक्सिंग करूँ। और ये मेरा आउटफिट है आज का, नॉर्मल सा, और मैंने आज बाल भी धोए हैं और आज मैंने नाखून भी लगा लिए, टाइम मिला था। हाँ, वैसे नाखून से याद आया, मैंने नाखून ही मंगाए हैं, मैंने आर्टिफिशियल नेल्स मंगाए थे एक और, मेरे पास 3-3 पैकेज हो गए और फिर उसके बाद मैं नहीं मंगाऊंगी क्योंकि मेरे को अभी 3 ही कलर चाहिए। फिर कभी आगे जाके हम मम्मा को गिफ्ट करेंगे, वैसे मम्मा लगाती तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर मम्मा को अच्छे लगे तो। लेट्स अनबॉक्स दिस। तो बड़ी मेहनत के बाद हमने खोल दिया है, इसको निकालेंगे, इसके ये ऊपर पपेट से लगा रखा है, इसको बाद में फोड़ने के लिए दे देंगे सेगमेंट को। और ये रहा इसके
यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मॉडर्न्स फैमिली, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। हमको एक क्या कार्ड दिया है थैंक यू बोल के, तो मैं भी आपका वेलकम करना चाहूँगी। और ये मैंने लिया है, ये इसका अनबॉक्स करते हैं। 24 रीयूजेबल नेल्स, आप 24 बार इसे यूज कर सकते हो। फिर मेरा तो यही की बार यूज होता है, आपको पता है, फिर कभी फिर टाइम होता है। और इसमें बहुत कुछ दिया है इसमें, ये देखो, मुझे पता हूँ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि इसमें ये टूथपिक है, और इस टूथपिक से आप इसको ऐसे ये देखो जस्ट माई नेल, और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे करके उखाड़ सकते हो। और यहाँ पे एल्कोहल भी दिया है भाई, और भी कुछ दिया है। इन सब के यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हमारे नेल्स देखेंगे। ये नेल्स है, बहुत सारे टाइप्स के हैं, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे। अगर इनमें से एक भी पेयर घूम जाए तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये हैं। तो ये देख सकते हो आप, और इससे तो बहुत ही डिफरेंट है। और मतलब मुझे इसके आगे की ये चेक डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, और ये वाली भी, ये ग्रीटरी बनाई गई है। ये सब कुछ प्लास्टिक होता है, लेकिन होता बहुत मस्त है, और इसका यूज़ करना भी मैं धीरे से सीख लूँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी। सुबह हो चुकी थी, अभी जो है वो दिन हो चुका है, और मैं फ़िलहाल जो हूँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने नीचे कुछ नहीं पहना अभी, नीचे सिर्फ अभी क्रीम लगाई है, टाइट गई हुई है, और स्किन केयर मैं करती नहीं हूँ आजकल, तो नॉर्मल सा है। अभी बॉडी बटर क्रीम लगाई थी मैंने अभी, जस्ट दैट्स व्हाई। और दूसरी बात, हम जहाँ पे गए थे वो सब लोग ये समझ रहे हैं कि हम पहाड़ पे गए, तो हाँ हम पहाड़ पे तो गए, लेकिन हम गए थे नरसिंह महाराज के मंदिर में, वहाँ पे हमने दर्शन लिए। और जहाँ पे जिस मंदिर के अंदर हम बैठे थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं बैठी थी, वहाँ पे हम भी बैठ गए, दीवी गौर मैं भी। और जब हम फ़ोन देख रहे थे, मैंने देखा वहाँ पे इतने बड़े हनुमान जी की वो थी मूर्ति, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने चाहती हूँ कि पैर छू लिए और हाथ जोड़ लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ का व्यू। और मुझे उतनी थकान हुई, फिर मैं सोकर उठी थी चार घंटे बाद तो उठ चुकी थी, लेकिन एक घंटे में आंखें बंद करके पड़ी हुई थी, बस यूं ही। ये उठने में बिल्कुल दम नहीं था, आलस आ रहे थे। रील वहाँ पे एक ही बनी, पर लाइव हम 3 बार आए, गाड़ी में भी आए थे एक बार। चाचा हमारे साथ नहीं गए थे, चाचा कहीं गए हुए थे उस वक्त, इम्पोर्टेंट केस चल रहा था उनका, तो इसलिए पापा, कार्तिक भैया, मैं, देविका मम्मा और देव और चाची बस हम गए थे। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ सीधा लंच में, क्योंकि अभी ट्रैक्टर बज रहे हैं। अभी हम लंच कर रहे हैं, और मैंने बोला था लंच में मिलेंगे, तो यहाँ पे है रायता, टेस्टी बूंदी का, और साथ में चपाती, और उसके साथ में है पनीर की सब्जी जो कि मम्मा ने बनाई है। यहाँ पे मम्मा भी खा रही है खुश होके, मम्मा को भी पसंद है और मुझे तो आती है, तो मैं बिना टेस्ट करे बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फेक बताते हो फिर खाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ ट्रूली। और टीवी चलाएंगे, लेकिन टीवी में अभी हम जो है वो मैडम सर देखेंगे, क्योंकि ध्रुवतार आजकल आ नहीं रहा है। आजकल क्या, पूरा एक हफ्ता हो गया आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इस बार तारा और ध्रुव की याददाश्त वापस आ चुकी है, और उस सीरियल में शौर्य भी वापस आ चुका है, तो वो सबका जो सीन है ना वो आप देख सकते हैं। और अभी तो मैं लंच करती हूँ, सीधा शाम को। बस यही थी हमारी जर्नी, और डुप्लीकेट नेल्स भी थे, और आज जो है वो फ्राइडे हैं, मंडे को व्लॉग बनाया था और फ्राइडे हो चुका है, एडिट नहीं कर पाई क्योंकि एग्ज़ाम था, जीके और एमएससी का हो चुका है, बट इंग्लिश का था, राइटिंग स्किल, बायोग्राफी ऑन महात्मा गांधी, लेटर और नोटिस और ग्रामर और डेफिनेशंस, और जाने भर के क्वेश्चन आंसर्स, और अभी SST हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स प्लस मैप प्लस डायग्राम्स, कैन यू बिलीव इट कि कितना हार्ड होगा। तो एग्ज़ाम इतना था कि मैंने इन दिनों में बिल्कुल व्लॉग एडिट नहीं कर पाई, कल सुबह मुझे याद आया और मैं व्लॉग एडिट करने भी लगी, लेकिन लाइक चली गई, और पापा ने बोला कि फिर इसकी बैटरी ख़त्म होगी तो रील कहाँ से अपलोड करेंगे, तो जो बच्चा कुछ 5G होता है ना हमारे फ़ोन में, उससे हम डाल देते हैं,
रील तो, लेकिन व्लॉग तो मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि 34% तो हमारे पापा ने बैटरी कर रखी थी, तो मैंने नहीं किया। फिर मैं भूल भी गई और फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग गई। और फिर देखो मुश्किल से हम पूरे दिन में 5 hours पढ़ते हैं और 3 hours टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दिनों में ये हो चुका है कि 1 hour हम टीवी फ़ोन देख पा सकते हैं और पूरे बचे कुछ 23 hours हम पढ़ते पढ़ते हैं। सोती तो मैं दिन में हुई नहीं, बंद ही कर दिया दिन में सोना, क्योंकि 2 बजे थक के आते थे स्कूल से तब सो जाते थे, लेकिन अब तो 11:30 बजे मैं एग्ज़ाम देकर आ जाती हूँ तो इसलिए क्या ये सोऊंगी। खैर, आपको हमारे न्यू व्लॉग की एडिटिंग कैसी लगी? ये जो एडिटिंग है ये मैंने दूसरे ऐप से की थी और आई होप कि और भी आने वाले म्यूजिक्स और ये सब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत मस्त होगा, इतना मस्त होगा ना कि सोच ही ना होगी आपने। तो बस एग्ज़ाम ख़त्म हो, एक बार बस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद जितने मज़े होंगे ना वो पूरे होते ही रहेंगे और फरवरी से वो सारे मज़े बंद हो जाएंगे, फिर तो एग्ज़ाम ही होंगे। अभी तो बस तीन ही तो एग्ज़ाम हुए हैं अभी, अभी चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवा होगा, सातवा होगा, आठवा होगा, नौवा होगा, दसवा होगा, 9 subjects हैं मेरे। इसलिए और SST का जितना कुछ याद किया उतना ही लिख के आऊँगी, क्योंकि देखो जितना हो पाया इन दिनों में उतना ही किया। कल भी मैंने रात में रील बनाई और आज भी रील बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी क्या कैसे बनाऊँगी यार, आई हैव नॉट अ टाइम यार, समझा करो। चलो आपको एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जिसको मैं रेगुलरली 3 दिन से मंगवा रही थी पापा से। ये तो है बैग, इस बैग को ले जाती हूँ, हल्का फुल्का है ये एग्ज़ाम देने, बट गाइस चीज़ तो ये है, ये देखो चलेगा एस्ट्रो स्पेस, ये स्पेस वाला एस्ट्रोनॉट वाला, यहाँ पे आप अपना नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड या डिव रोल नंबर और स्कूल वगैरह लिख सकते हो, और यहाँ पे आप जो है वो अपना पेन स्टेपल कर सकते हो, ऐसे मोड़ सकते हो पेन रख के और ऐसे इसको खड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे तो आप जानते ही हो। और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, इवन टिक भी जाता है, अगर मान लो ये टेबल है तो ये यूँ टिक भी जाएगा, बस नीचे का सरफेस फिसली ना होना चाहिए। और ये टोटल ए फोर साइज़ का है। इसके पैकेज पे A4 लिखा हुआ था लेकिन है नहीं, मुझे थोड़ा A5 जैसा लग रहा था, पर हाँ ये A4 जैसा ही है। तो ये है हमारी न्यू एग्ज़ाम बोर्ड, पहले मैं इसको एग्ज़ाम शीट बोलती थी लेकिन फिर निक्की आंटी ने समझाया कि एग्ज़ाम शीट पे तो आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम बोर्ड पे आप एग्ज़ाम रखते हो, तो वो है ये। और बाकी मम्मा छत पे गई हुई है, मैं पढ़ूंगी अब व्लॉग एडिट करके, और ये व्लॉग सैटरडे को अपलोड होगा, ये फ्राइडे को भी नहीं हो सकता, सोचो 6 दिन में हमारा व्लॉग। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मिलते जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।